हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको अगली वीडियो की जानकारी मिले सबसे पहले। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे नंबर सिस्टम की। एक्सरसाइज है 1.4 और पेज नंबर है 1.31। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्योंकि यहाँ पर होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि डिफाइन एन इरेशनल नंबर। आपको सिंपली यहाँ पर डिफाइन करना है कि इरेशनल नंबर क्या होता है। तो चलिए इसको समझते हैं विद एग्जांपल। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे अ नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। यानी कि जो आपका रैशनल नंबर होता है उसको आप पी बाई क्यू फॉर्म में लिखते हो और ये उसका जस्ट अपोजिट है। यानी कि इस नंबर को आप पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। और इस नंबर की खास बात क्या है कि इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो चलिए अब समझते हैं एग्जांपल्स की मदद से कि इरेशनल नंबर क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ठीक है, ये एक रियल नंबर है विच कैन बी रिटन एज अ डेसिमल। आप डेसिमल की फॉर्म में तो आप लिख सकते हो, ठीक है, बट यू कांट राइट दिस नंबर एज अ फ्रैक्शन। आप पी बाई क्यू फॉर्म में इस नंबर को नहीं लिख सकते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट 5, तो ये आपका डेसिमल नंबर है, आप पी बाई क्यू फॉर्म में इसको नहीं लिख सकते। अंडर रूट का वैल्यू है लेकिन माइनस में है तो भी आपका इरेशनल नंबर होगा। तीसरा एग्जांपल अंडर रूट 8 डिवाइडेड बाय 23, ये भी वैल्यू कैसा होगा आपका, इरेशनल नंबर। फोर्थ एग्जांपल आपका पाई का वैल्यू है 3.14 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब क्या है, ये नंबर आपका कंटिन्यू रहेगा। लास्ट एग्जांपल ई स्टैंड्स फॉर यूलर्स नंबर, ठीक है, यूलर्स का वैल्यू क्या होता है 2.71 डॉट डॉट डॉट, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो आपने क्या समझा, एक ऐसा नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ठीक है। दूसरी बात, पी बाई क्यू फॉर्म में आप उसको नहीं लिख सकते, ठीक है, पी बाई क्यू फॉर्म में आप उसको नहीं लिख सकते। तीसरा, वो एक रियल नंबर होगा, ओके, रियल नंबर होगा। लास्ट पॉइंट क्या है आपका कि वो नंबर रिपीट नहीं करेगा, ठीक है, रिपीट नहीं करेगा। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया है एक्सप्लेन हाउ इरेशनल नंबर्स डिफर फ्रॉम रैशनल नंबर। यानी कि इरेशनल नंबर रैशनल नंबर से कैसे डिफर करते हैं। तो हम दोनों ही नंबर्स को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल और इरेशनल। इसका मतलब है कि नंबर्स को देखकर आपको बताना है कि वो नंबर रैशनल है या फिर इरेशनल, या फिर आपको सॉल्व करना है और फिर बताना है कि वो नंबर रैशनल है या फिर इरेशनल। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट को। तो यहाँ पर जो पहला पार्ट है वो गिवन है अंडर रूट 7, ठीक है। तो ये नंबर कैसा है, क्या आपको पता है ये नंबर कैसा है। दिस नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर रूट, यानी कि आप इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास होता अंडर रूट 4, तो आप इसको सॉल्व कर लेते और आपके पास आ जाता 2, ठीक है। तो यानी कि दिस अंडर रूट 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। तो ये 2 कैसा नंबर हो जाएगा आपका, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। और इस 2 को आप कैसे लिख सकते हो, 2/1। तो पी बाई क्यू फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो, लेकिन अंडर रूट 7 को आप पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये नंबर कैसा हो जाएगा आपका, इरेशनल नंबर, ठीक है। और दूसरी बात, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये नंबर कैसा आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। तो ये नंबर आपका कैसा हो जाएगा, इरेशनल नंबर। ये नंबर कैसा है आपका, इरेशनल नंबर। पार्ट थर्ड में आपको गिवन है 2+√3। तो जब आपके पास ऐसी कोई कंडीशन गिवन हो कि आपके पास रैशनल नंबर भी है और इरेशनल नंबर भी है और दोनों का सम गिवन है, तो यहां पर यही कंडीशन है। 2 आपका क्या है, एक रैशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि आप 2 को लिख सकते हो पी बाई क्यू फॉर्म में 2/1। लेकिन अंडर रूट 3 कैसा नंबर है आपका, इरेशनल नंबर है। तो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। तो जब भी आपकी ऐसी कोई कंडीशन हो तो आपका जो आउटपुट आने वाला है, आंसर आने वाला है, वो कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर, हमेशा आपको याद रखना है। तो ये नंबर कैसा हो जाएगा, इरेशनल नंबर। फोर्थ पार्ट में आपसे पूछा गया है अंडर रूट 3+√2। तो आप जानते हैं कि अंडर रूट 3 आपका इरेशनल नंबर होता है,
और अंडर रूट टू भी आपका इरेशनल नंबर होता है। जब आपके दोनों के दोनों नंबर इरेशनल नंबर्स हैं तो आपका आंसर भी इरेशनल नंबर ही होगा। आपको याद रखना है कि जब आपके दो इरेशनल नंबर ऐड हो रहे हैं तो अल्टीमेटली आपका जो आंसर आएगा वो भी आपका इरेशनल नंबर होगा। अब बात करते हैं सिक्स पार्ट की। तो यहां पर आपको गिवन है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब है यहां वैल्यूज गिवन है बस अंडर रूट टू माइनस टू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप अंडर रूट टू को a मान लेंगे और टू को यहां पर b मान लेंगे और इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा सिक्स प्लस फोर इंटू अंडर रूट टू। तो इसका आंसर निकालने के लिए आपको पार्ट थर्ड देखना है, टू प्लस अंडर रूट थ्री यानी रैशनल प्लस इरेशनल। कैसा नंबर आता है? इरेशनल नंबर। आप जानते हैं सिक्स कैसा नंबर है आपका? रैशनल। और फोर इंटू अंडर रूट टू नंबर कैसा आने वाला है? इरेशनल। तो रैशनल प्लस इरेशनल आपका अल्टीमेटली आंसर क्या जाएगा? इरेशनल नंबर। ओके, सेवेंथ पार्ट में आपको गिवन है टू माइनस अंडर रूट टू इंटू टू प्लस अंडर रूट टू। जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ ऐसा दिख जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जो फॉर्मेशन है ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा। तो सिंपली ये जो वैल्यूज है आप इनको यहां पर पुट कर लीजिए और आपको यहां पर टू मिल जाएगा। ठीक है, तो टू को आप कैसे लिख सकते हो? टू बाई वन। तो टू बाई वन कैसा हो गया? पी बाई क्यू फॉर्म हो गया। तो पी बाई क्यू फॉर्म होते ही ये नंबर कैसा हो गया आपका? रैशनल नंबर। नाइन्थ पार्ट में आपको गिवन है अंडर रूट फाइव माइनस टू। तो यहां पर देखो आपके पास एक इरेशनल नंबर गिवन है और एक रैशनल नंबर गिवन है। तो जब भी ऐसा केस हो माइनस का, इरेशनल नंबर में से हम माइनस कर रहे हैं एक इरेशनल नंबर को। ठीक है, सो द डिफरेंस ऑफ एन इरेशनल नंबर एंड अ रैशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। यानी कि आपका आंसर आने वाला है इरेशनल नंबर। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया है अंडर रूट 23। इसका जो आंसर है वो है 4.7958। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन जब आप करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा और ये नंबर कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और जब भी ऐसा केस होगा तो कैसा नंबर होगा? इरेशनल नंबर। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा गया है अंडर रूट 225। सिंपली जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 15 आ जाएगा और 15 को आप लिख सकते हो पी बाई क्यू फॉर्म में। तो p by q फॉर्म में आते ही ये नंबर कैसा हो जाएगा आपका? रैशनल नंबर। नेक्स्ट पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है? 0.3796। तो इस नंबर को तो आप देखकर ही बता सकते हो ये नंबर रैशनल होगा या फिर इरेशनल। क्यों? क्योंकि ये नंबर आपका स्टॉप हो चुका है। ठीक है, यानी कि ये नंबर टर्मिनेट हो चुका है और जो नंबर टर्मिनेट हो जाता है उस नंबर को हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की। इसमें पूछा गया है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल नंबर्स। आपको पहचानना है नंबर्स को देखकर कि वो रैशनल है या फिर इरेशनल नंबर है। और क्या पूछा है? गिव द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। यानी कि आपको रैशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी देना है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर के सभी पार्ट्स। तो पहले पार्ट में आपसे पूछा गया है अंडर रूट फोर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 2 आ जाएगा और 2 को आप क्या लिख सकते हो? 2 बाई वन। तो ये नंबर कैसा हो जाएगा? रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये नंबर कैसा हो जाएगा? रैशनल नंबर। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया है 3 इंटू अंडर रूट 18। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास नंबर आ जाएगा 9 इंटू अंडर रूट 2। तो 9 कैसा नंबर है? रैशनल। और अंडर रूट 2 कैसा नंबर है? इरेशनल। तो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है रैशनल और इरेशनल का तो नंबर आपके पास कैसा आ जाता है? इरेशनल नंबर। ठीक है, ये नंबर कैसा हो जाएगा आपका? इरेशनल नंबर। पार्ट थर्ड में आपसे पूछा गया है अंडर रूट 1.44। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास एक नंबर आ जाएगा 1.2। ये नंबर कैसा है? टर्मिनेटिंग नंबर। तो जैसे ही आपके पास ये नंबर आता है टर्मिनेटिंग तो ये कैसा नंबर हो जाएगा? रैशनल नंबर। फोर्थ पार्ट में आपसे पूछा गया है अंडर रूट 9/27। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/√3। तो आप जानते हैं 1 कैसा है आपका नंबर? रैशनल। और अंडर रूट 3 कैसा है? इरेशनल। तो इस केस में जो क्वेश्चन होगा वो आपका कैसा निकल के आएगा? इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इसका आंसर कैसा हो जाएगा?
इरेशनल नंबर। फिफ्थ पार्ट में पूछा गया है माइनस अंडर रूट 64, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास माइनस 8 आ जाएगा, और माइनस 8 को आप लिख सकते हो माइनस 8 डिवाइडेड बाई 1, तो ये पी बाई क्यू फॉर्म हो जाएगा, तो ये आपका रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट पार्ट में अंडर रूट 100, जब आप इसको सॉल्व करोगे 10 into 10, तो आपके पास आ जाएगा 10, और 10 को आप लिख सकते हो 10 divided by 1, यानी कि p by q फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो, तो ये नंबर कैसा हो जाएगा आपका रैशनल नंबर। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो के लिए इतना ही, जो बाकी का पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और आपका अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे छोड़ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई।